तो राम राम दोस्तों सभी को। आप सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा वायरल है, सपना पिंकी और अनूप का ये पूरा मामला है। ये गांव हंसावास बाडड़ा का है। इसमें जो है सपना और पिंकी अनूप जो है तीनों लव इन रिलेशनशिप में जो है पिछले 1 या 2 साल से रह रहे थे, लेकिन स्टोरी में जो है अब फेरबदल हुआ। फेरबदल क्या हुआ कि जो सपना है उसकी शादी अनूप से हुई थी 2017 में, और इनका एक बच्चा भी है जिनका नाम है आयुष, वो लगभग अभी 4 साल का है। तो इनकी शादी हुई थी 2017 में, लेकिन पिछले 1 साल से जो है अनूप जो है पिंकी के साथ रह रहा था लव इन रिलेशनशिप में। ये है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, ये अनूप है जो है जो सपना का घर वाला है, ये अनूप है। और आगे आप जो फोटो देख रहे हैं ये है पिंकी जो अनूप के साथ लव इन रिलेशनशिप में रह रही है पिंकी। और अभी आपको फोटो दिखाते हैं उसका, आपने देख भी रखा होगा सपना का। ये है सपना जिसकी शादी जो है अनूप के साथ 2017 में हुई थी, और इन्हीं का एक 4 साल का बच्चा भी है जिनका नाम है आयुष। तो ये लगभग 1 साल से जो है रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है। वायरल किस कारण हो रहा है कि सपना जो है अभी रक्षाबंधन पर अपने घर गई थी राखी बांधने के लिए। वो घर आके देखती है तो घर का अंदर से जो है दरवाज़ा बंद था। तब उसने दरवाज़ा ओपन करवाने की कोशिश की तो जो है अनूप और पिंकी ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। दरवाज़ा ओपन न होने के कारण सपना ने जो है डायल 112 को बुलाया, पुलिस आई, लेकिन फिर भी जो है अनूप ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। वहाँ पर जो है SHO साहब आए, तब जाके जो है अंदर क्या बातचीत हुई कुछ पता नहीं है, लेकिन तब जाके दरवाज़ा ओपन हुआ। और तब भी दरवाज़ा ओपन हुआ लेकिन सपना अंदर नहीं गई। सपना जो है पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन गई। आखिर इसमें दोषी कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप लव इन रिलेशनशिप में जो है इसके साथ पिछले 1 साल से जो है पिंकी रह रही है, और जो गांव के सरपंच हैं वो भी खासे वायरल हो रहे हैं। इनका भी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हो रही है, लेकिन ये कोई स्टोरी के मैन पात्र नहीं है। लेकिन जो स्टोरी जो जिनकी जो खास न्यूज़ है वो तीन ही है, सपना, पिंकी और अनूप। इन तीनों का ही ये मामला है लव इन रिलेशनशिप का। अब आप देख लो कौन दोषी है कौन सही है इसमें। सपना 2017 में इनकी शादी हुई थी गांव हंसावास बाडडा, और ये पूरी स्टोरी है। सपना है, पिंकी है, अनूप है। आखिर क्या माजरा है पूरा यह मैंने आपको बता दिया। वीडियो सही लगे, यूज़फुल हो आपके लिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को पता चल पाए कि ये जो पूरी न्यूज़ घूम रही है इसका पूरा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर अनूप और सपना और पिंकी की जो है वीडियो सोशल मीडिया पर आपको ज़रूर मिल जाएगी ऐसे इधर उधर। तो इसीलिए मैंने आप सभी के साथ ये शेयर करनी ज़रूरी समझी ताकि आपको भी पता तो चले आखिर पूरी न्यूज़ है क्या, तभी तो समझ में आएगी कि पूरी स्टोरी है क्या। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि भाई सपना जो है अनूप के साथ रहेगी या फिर पिंकी भी साथ रहेगी। गांव में जो है बार बार पंचायत वगैरह हो रही है, डिसीजन भी बहुत बार निकल लिया। कुछ गांव वाले बोल रहे थे कि सपना अब जो है अकेली रहेगी, अनूप उसे कुछ तंग नहीं करेगा। यदि वो वहां पर कुछ उसे तंग करता पाया गया तो जो है गांव फिर उस पर कार्रवाई करेगा। तो बहुत जल्द आपको वैसे देखा जाए तो सपना के साथ जो है न्याय होना चाहिए। आखिरकार सपना ने गलत क्या किया इसमें, सपना तो सही है अपनी जगह पर अगर अब तक देखा जाए तो। लेकिन आप सोचें समझें और वीडियो के नीचे कमेंट